हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मयंक जोशी एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं एक गेम का रिव्यू। यानी कि दोस्तों, गेम का रिव्यू यानी कि मैं आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ। यानी कि उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। उस गेम का नाम है बिग सिटी लाइफ सिमुलेटर नाम का एक गेम है। और ये अगर आपको ओपन वर्ल्ड गेम अच्छे लगते हो तो ये गेम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट मैं कहूँगा मोबाइल में, जो कि यहाँ पर ये आपके हर डिवाइस में वर्क करेगा। ओनली ये मात्र 60 MB का गेम है। प्ले स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप बिग सिटी लाइफ सिमुलेटर करके सर्च करेंगे तो आपको आराम से वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये गेम जो है वो ओपन वर्ल्ड गेम है, बट ये कोई GTA टाइप गेम नहीं है। यानी कि कोई गैंगस्टर जैसा गेम नहीं है जिसमें आप कुछ क्राइम व्राइम करो, ऐसा कुछ इसमें सीन नहीं होता है। इसमें यह है कि यहाँ पर आपको एक सिटी में आपको भेजा जाता है, और यहाँ पर आप वहाँ पर एक नए होते हैं और वहाँ पर आपको सर्वाइव करना होता है। जैसे कि आपको कुछ जॉब्स दी जाती है इसमें, उन जॉब से आपको पैसा कमा कर अपने लिए घर खरीदना है, गाड़ियाँ खरीदनी है, और यहाँ पर एक लाइफ जीनी है, एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ जीनी है। तो चलिए दोस्तों, इस गेम को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्टार्ट क्लिक करके। और यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर अभी हम गेम के अंदर आ चुके हैं। और ऑल यू हैव टू डू इन दिस पास द ड्राइविंग एट वर्क आई ऑलरेडी एग्रीड फॉर यू। तो ये शायद इसका दोस्त है और ये इसको कुछ ड्राइविंग लाइसेंस को के लिए बोल रहा है, पास करने के लिए बोल रहा है। तो अभी ये बोल रहा है टैक्सी में जाओ, ड्राइविंग स्कूल में, और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ। अभी हम इसको स्किप करते हैं सबसे पहले। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं यहाँ पर अभी हम। और अभी ये हमको शायद से ड्राइविंग स्कूल लेकर जाएगा। ओके हाँ, तो ये है ड्राइविंग स्कूल यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लाइसेंस लेना है सबसे पहले, बाइक का लाइसेंस लेना होगा, ताकि कि हम यहाँ पर कहीं भी आ जा सके, सफ़र कर सके इस गेम के अंदर, वरना हमें पैदल ही घूमना पड़ेगा। अभी मुझे यहाँ पर जाना है ना, तो बाइक वाला बाइक कर लेते हैं लाइसेंस। चलो 100 रुपये का, क्या बात है। अभी यहाँ पर इसके कंट्रोलिंग्स भी काफ़ी मुझे अच्छे लगे। एज सून एज यू सिट इन द व्हीकल टर्न ऑन द टाइमर। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर ये ट्रैक दे रखा है, हमें यहाँ पर गाड़ी दौड़ानी है, तो हमें जल्दी से सबसे पहले गाड़ी दौड़ा देता हूँ। तो इसमें यही है कि हम एक पिज़्ज़ा बॉय हम यहाँ पर बनेंगे शुरुआत में, तो हमें उसके लिए स्कूटी चाहिए होगी एक। तो उसी स्कूटी के लिए मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी इसको मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, हम सीधा आगे बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। तो ओके दोस्तों, यहाँ पर अभी हमें जो है वो लाइसेंस मिल चुका है, तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें एक मोबाइल भी दिया जाता है, जहाँ पर आप किसी को कॉल भी कर सकते हैं इंटरनेट से अगर आप खेलेंगे तो। अभी मुझे मेरे दोस्त इसके दोस्त का कॉल आया है, SMS आया माइकल का, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग द एग्ज़ाम, गेट इन द टैक्सी एंड कम टू मी। तो अभी हमें उसके पास जाना होगा, जल्दी से चलते हैं। तो अभी ये हमें बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा है एक ड्राइविंग लाइसेंस को पास करने के लिए। और ये बोल रहा है कि हम इसका स्कूटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा की डिलीवरी के लिए। तो अब ये हमें सबको बताया, सब कुछ बताएगा हमको क्या करना है। तो ये हो गया हमारी पिज़्ज़ा की शॉप, जल्दी से अंदर चलते हैं हम। तो यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं शुरुआत में, जब आप पहली बार इस गेम को खेलेंगे तो यहाँ से आप आराम से इसमें काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो आप आराम से कुछ और यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कंस्ट्रक्शन का भी वर्क दिया जाता है जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, गारबेज का भी वर्क दिया जाता है जहाँ पर भी आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और एक चोर का भी इसमें दिया जाता है, तो आपको चोरी करनी पड़ेगी और आपको पैसे मिलेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर जॉब मिल चुकी है। ओके, और ये जो आप इधर साइड में देख रहे हो ना, ये टूर्नामेंट है यहाँ पर।
ये शायद 8 बजे तक ये टूर्नामेंट चलता है, और ये अभी मेरे को बता रहा है सब कुछ क्या क्या है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ऊपर मेरे यहाँ पर ऊपर वाले कॉर्नर में, यहाँ पर हमें एक मैप दिया जा रहा है। ये जो सर्कल टाइप बना हुआ है ये है हमारा मैप। अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो हमारा ये मोबाइल आ जाता है, तो यहाँ पर हमें मैप भी दिया जाता है। तो ये है हमारे इस शहर का मैप, कुछ इस टाइप से है। इधर भी थोड़ा सा है, इधर भी है, और यहाँ से आपको जैसे कि अगर आपको रात रात में अगर आपको सोना है तो यहाँ पर होटल में सो सकते हैं आप, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है होटल। और अगर आपको पिज़्ज़ा के लिए आना है तो ये पिज़्ज़ा की शॉप यहाँ पर दे रखी है। ये है ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप कोई दूसरी गाड़ियाँ बाय करना चाहते हो तो। और ये है कपड़े ख़रीदने की दुकान है ये शॉप। और उधर ये सब तो शायद हम बाद में चेक कर लेंगे। और इस तरफ में जो है ना, ये जो मेन चीज़ है, यहाँ पर आपका ये कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा। आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जॉब कर सकते हैं। और ये जो आपको देखने को मिलता दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ से आप गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। यानी कि आपको काफ़ी सारी यहाँ पर कार देखने को मिलेंगी, बाइक्स देखने को मिलेगी, तो आपको जो अच्छी लगे वो खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हो जाए तो आप बाइक खरीद लीजिएगा, ताकि ये आपके जो पिज़्ज़ा की डिलीवरी करेंगे अगर आप, तो उसमें बाइक थोड़ी सी स्पीड में चलेगी और ये स्कूटी है वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे कुछ करना है। यहाँ से आपको SMS आते रहेंगे। और यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये है वर्क। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर वर्क है। जैसे कि मैंने बोला था पिज़्ज़ा वेंजर, वो गार्बेज वाला, और ये बिल्डर, और ये थीफ। तो यहाँ पर आपकी क्या लेवल्स बढ़ती रहेगी, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा की शॉप करूँगा ना, तो मेरी जो है वो लेवल होगी वन फर्स्ट होगी। तो काफ़ी बहुत 3-4 बार मैं करूँगा तो वो लेवल बढ़ जाएगी। तो जैसे हमारी लेवल बढ़ेगी वैसे हमारी पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे हमको। एक हम पिज़्ज़ा की डिलीवरी करेंगे तो ये जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक डिलीवरी कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर अभी हमें जल्दी से बाहर जाना है। ये रही हमारी स्कूटी, और यहाँ से हमें एरो भी दिख रहा है, वो जो निशान दिख रहा है आपको सर्कल सा, वहाँ पर आपको जाना है। तो ये एरो को भी फॉलो कर सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पर ही कहीं है तो कि ये रहा। और यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा, ये देखो यहाँ पर मुझे 30 रुपये मिले। तो अब यहाँ से जैसे जैसे मेरी लेवल बढ़ती रहेगी मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर एक SMS आया है मेरा माइकल का, तो ये बोल रहा है यहाँ अगर आपको यहाँ पर नाइट में सर्वाइव करना है तो आप होटल में सर्वाइव कर सकते हैं। और ये मैप भी है इसमें, तो यहाँ से अगर आप टिक लगाएंगे ना तो आपका जो सब कुछ होगा वो शो हो जाएगा होटल। जैसे कि ये मैप में अभी देख सकते हैं आपकी ड्राइविंग स्कूल जो है वो शो नहीं हो रहा है, होगा देख लीजिए यहाँ पर हो रहा है क्या, अब हो रहा है। तो यहाँ से आप शो भी कर सकते हैं, जैसे कि जिम नहीं हो रहा होगा तो जिम आ जाएगा। ये देखो क्लॉथ की शॉप आ जाएगी, कार की शॉप, तो ऐसे आप इसमें कर सकते हैं। सोने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर अपार्टमेंट में आ जाना है यहाँ पर। और अभी मैं जल्दी से चलता हूँ सोने के लिए। अगर आपके पास गाड़ियाँ नहीं हो तो आप टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले मैं एक झपकी मार लेता हूँ, इसके बाद हम चलेंगे वो सारी शॉप्स देखने के लिए। तो कब तक सोना है मुझे, 7 बजे तक सोना है। तो भी यहाँ ये मस्ती से सो गए हैं। चलो यहाँ से अगर हम आराम से सो सकते हैं, कोई SMS आ रहा है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप बहुत सारी शॉप जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हमारी लेवल जो है वो 0 पर चल रही है, 75% हो चुकी है। बाद में हमारी लेवल जो है वो और बढ़ जाएगी आराम से। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पर इसमें बता देता हूँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन का जॉब करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं अगर आपको बात बता देता हूँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन का जॉब करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के जॉब बिल्डर की ड्रेस चाहिए होगी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्यों क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बिल्डर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी मसल्स होनी चाहिए सबसे पहले तो 65 तक, और वर्क के क्लॉथ होने चाहिए आपके, और एक हैट होनी चाहिए। और यहाँ पर ये तो हो गए बिल्डर के, इसके भी यहाँ पर दे रखे हैं गार्बेज वाले के,
ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए सी का, यानी कि ट्रक का लाइसेंस चाहिए, और वर्किंग के क्लोथ चाहिए होंगे। और अगर आप थीफ बनते हैं तो उसमें के लिए भी आपको वही सब कुछ चाहिए होगा। और अगर आपकी नीड यहाँ पर अगर आपकी लेवल बढ़ जाएगी तो आपकी और काफ़ी सारी जॉब्स अनलॉक हो सकती है। तो अभी हमें एक मैसेज आया है, तो ये कुछ हाउस के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अभी जैसा सबसे पहले आपको घर दिखा देता हूँ। घर ख़रीदने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, शायद से 7,000 रुपीज़ आपको चाहिए होंगे घर ख़रीदने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों ये होगा आपका घर। जब मैं पहले इस गेम को खेलता था ना, तब ऐसा घर नहीं था, अभी एकदम चेंज हो गया है। ये आपका घर है, यहाँ पर आप आराम से कोई अपनी गाड़ी वाड़ी स्टोर करवा सकते हैं, गैराज दे रखा है आपको, और यहाँ पर आपको टैक्सी में भी आप कहीं भी आ जा सकते हैं, जब अगर आपके पास स्कूटी उस्कूटी नहीं है तो। ये तो हो गया हमारा घर। यहाँ पर आपको 7,000 रुपीज़ चाहिए होंगे इसको बाय करने के लिए। अभी हम सीधा चलते हैं शॉप पर, कार की शॉप पर चलते हैं सीधा। दोस्तों ये जो है ये है पेट्रोल पंप, और ये इसका भी यूज़ है, ये ऐसे ही नहीं लगा रखा है यहाँ पर। जब आप कोई फोर व्हीलर कार लेकर आ जाओगे अपने खुद के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल उसमें डीजल भराना पड़ेगा, जो कि आप यहीं से भरा सकते हैं। तो ये भी एक इसमें अमेजिंग सी बात लगी मुझे। दोस्तों अभी यहाँ पर मैं जा रहा हूँ सीधा कार की शॉप पर, और ये जो इसका रास्ता है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो अभी मैं स्किप कर देता हूँ उसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सीधा इस कार की शॉप के सामने की तरफ, और अभी हम चलते हैं सीधा इसके अंदर। तो देख सकते हैं ये जो है हमें पहली गाड़ी दे रहे हैं, ये $1,200 में, ये $1,500 में। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ी आपको देखने को मिलेंगी, ये वाली गाड़ी भी है मर्सिडीज टाइप। तो यहाँ पर आपको ये बुलेट देखने को मिलेंगी, अगर आप स्पीड में वर्क करना चाहते हैं, यानी कि ये अपने पिज़्ज़ा का शॉप, तो ये वाली बुलेट आप बाई कर सकते हैं। बुलेट बाई करने के बाद आपकी जो स्कूटी होगी वो चली जाएगी, यानी कि उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी ये। और यहाँ पर इसको आप काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी देखने को मिलती है अलग अलग टाइप की। ये सबसे महंगी गाड़ी है $4,000 की। तो बस यही कुछ था। और उधर यहाँ पर सामने आपको ये कंस्ट्रक्शन सिटी भी देखने को मिल जाती है। हम जल्दी से उसमें चल कर आते हैं, हम घूम कर आते हैं क्या है अंदर। और अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप एड्स देखकर भी कमा सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस गेम में आपको मेन चीज़ रखनी है कि अपने मूड को जो है ना वो हाई ही रखना है। अगर आपकी मूड हाई होगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, और आपको भूख भी कम लगेगी, आपकी एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन सिटी के अंदर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर चलता हूँ सीधा। तो ये बोल रहा है 7 बजे से 10 बजे के बीच में हमें यहाँ पर पहुँच जाना है, और सारे कपड़े वपड़े लेकर आना है, यानी कि हैट और इसके क्लॉथ्स, और हमारा वेट भी होना चाहिए। उसके बाद ये हमें ना यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो उस बिल्डिंग को मैंने भी बनाया है, कंप्लीट किया था थोड़ा सा। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और ये गेम अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस गेम को अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है इस वीडियो की, प्ले स्टोर की लिंक है, आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 65 MB का ये गेम था, और काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। अगर आप सचमुच में कोई एक ऐसा गेम खेलना चाहते हैं जिसमें आप एक लाइफ जीते हैं, सर्वाइव करते हैं लाइफ में, मॉडर्न सिटी की लाइफ सर्वाइव करना चाहते हैं, तो ये गेम आपके लिए बेस्ट है। और ये गेम आप दोस्तों 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB कोई से भी रैम के मोबाइल में आराम से खेल सकते हैं। और अगर आपका लैग करता है तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग कर लीजिएगा, ग्राफिक्स लो कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ दोस्तों, हमारे 10 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हमारा एम रहेगा 50 सब्सक्राइबर का हमारा एम रहेगा, और वो होने के बाद 100
100 का एम रहेगा, फिर 1000 का रहेगा, फिर 10,000 का, ऐसा रहता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।